मुझे तो बहुत ही मज़ा आया शूट करने में, बहुत ही फैमिली वाला शूट था. द टीम वॉज माइंड ब्लोइंग. आई थिंक इससे अच्छी टीम मुझे मिल नहीं सकती थी फॉर अ शूट. सो आई एम माइंड मीन्स आई एम एक्साइटेड फॉर द होल रिव्यू एंड आप लोग का क्या उस पर फीडबैक होगा. मैं बस उसके लिए एक्साइटेड हूँ. अभी फ़िलहाल आप मैडम जी का एक फीडबैक ले लेते हैं, क्या है? मेरा फीडबैक यही रहेगा, वैसे तो थोड़ी बायस्ड हूँ, मुझे उसका हर वीडियो अच्छे लगते हैं, बट ये वाला वीडियो जेन्यूनली एज एन ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू इट्स एन अमेजिंग वीडियो और बहुत रिलेटेबल है, क्योंकि आप सबको वो शादी का वाइब आ ही जाएगा. क्योंकि मैंने वीडियो देखा, मुझे तुरंत से जैद का शादी का फ्लैशबैक आया, क्योंकि वही मस्ती, वही डांस, वही जैद का टांग खींचना, सब वही था. एंड आई गेस हम सबके लाइफ में ऐसा होता है, किसी की भी शादी होती है उसके हम टांग खींचते हैं, तो बहुत रिलेटेबल है. अवेज का डांस अमेजिंग, अच्छा भी लग रहा है बहुत, सो अच्छा लग रहा है. एंड गाना भी बहुत बढ़िया, ऐसा नहीं है कि गाना ऐसा है, बट गाना भी बहुत अच्छा है, तो परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है. सो या, परफेक्ट सॉन्ग. थैंक यू सो मच. हाँ, थोड़ी थोड़ी तो होती है. इस गाने में मेरा सिग्नेचर में थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट था, वेर मैं एक वाला ना, हाँ, मुझे एक यू नो ये गाना सुना था तो मैं बहुत एक्साइटेड था, तो मैंने अमित को बोला था जो इस सॉन्ग के कोरियोग्राफर है, और वो माइंड ब्लोइंग है, बहुत ही स्वीट है. मैंने उनको बोला था कि क्या हम ये स्टेप ऐड कर सकते हैं, एंड ही वाज लाइक अरे तुम्हारा ही गाना है, एंड ही वाज सो सपोर्टिव अबाउट इट. तो मुझे भी अच्छा लगा या कि कोरियोग्राफर भी जेल कर सकते हैं साथ में. सो या, सो एंड वी शुड या एवरीवन शुड, सो दैट मेड मी लाइक ओके या सब अच्छा ही सोचते हैं. यू शुड जस्ट अप्रोच देम, अप्रोच ही इम्पॉर्टेंट है. सो या वी जेल्ड अलोंग और हमने साथ में मिलकर इस गाने को कोरियोग्राफ किया. गाने को लेकर थोड़ा सा रिग्रेट है आपको कि पहले क्यों नहीं आया? थोड़ा बहुत है. अगर ये थोड़ा पहले आया था तो हम जैद की शादी में करते. हम लोगों ने ना आधा एक घंटा वेस्ट किया था गाना ढूंढने में कि क्या करेंगे उसके गाने उसके परफॉर्मेंस के लिए संगीत के, पर कोई बात नहीं, अभी जैद कर सकते हैं मेरी शादी में. शादी फॉर मी बेसिकली, सी एवरी वन विल से इट्स लव एंड एवरीथिंग, बट मेनली शादी में अंडरस्टैंडिंग बहुत होती है. अगर अंडरस्टैंडिंग ना हो तो आई फील लव भी फीका पड़ जाता है, क्योंकि आप जब एक दूसरे को समझते ही नहीं हो, कितना भी लव होने तो उससे कुछ लेना देना नहीं होगा. दैट आई सी इन गौहर एंड जैद. सो वो देख के मुझे ऐसा लगता है कि ओ ऐसे भी रिलेशनशिप होते हैं, यू नो, कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो होते ही है, बट देन आफ्टर मैरिज ऑल्सो यू आर स्टिल लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड. दैट इज द बेस्ट पार्ट. सो वी आर इंस्पायर्ड बाई यू गाइस. सो या, फॉर मी शादी इज लाइक लिविंग विथ योर बेस्ट फ्रेंड. सो यू शेयर योर जॉय, योर सोरोज एंड योर पेन, जो भी लाइफ में आता है, स्ट्रगल्स आते हैं, वो शेयर करते हैं इक्वली, फिर स्माइल करके एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ते हैं. सो मेरे लिए शादी वही है, एंड डेफिनेटली फैमिली जो आगे बढ़ती है, एंड बेस्ट जो ये है कि अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, तभी दो लोग साथ में रह सकते हैं. सो फॉर मी शादी इज़ मोर लाइक टू बेस्ट फ्रेंड्स स्टेइंग टुगेदर. ट्रू दैट. सॉन्ग तो बहुत जल्दी आने वाला है, वो ये सॉन्ग से कम्प्लीटली ऑपोजिट है. तो ये सॉन्ग अगर फन है तो वो आप समझ ही गए होंगे कैसे होगा. तो वो बहुत चैलेंजिंग रहा है हम दोनों के लिए, क्योंकि इतनी ठंडी में एक्सप्रेशंस देना बहुत ठंड थी, और कपड़े ऐसे जो हमको मतलब भी नहीं पहन पा रहे थे. एक पार्ट में हमको हिलना भी नहीं था, पर वो ठंडी हमको ऑटोमेटिकली हिला रही थी. सो पता नहीं कैसे कैसे करके हमने मैनेज किया है, बट द होल शूट वाज माइंड ब्लोइंग. यस यस, मजा आया हमें, एंड आई एम एक्साइटेड फॉर इट. अवेज, हाँ, नहीं नहीं नहीं, बॉसी तो बिल्कुल नहीं. ही इज, मैं अवेज के साथ जब से काम कर रही हूँ तब से वो ऑन पॉइंट रहता है कि मुझे ये चाहिए. ऐसा बॉस ही नहीं होता है कि तुझे करना पड़ेगा. हाँ, ही इज स्ट्रिक्ट, एंड मैं वो समझती हूँ बात, बिकॉज ही वॉन्ट्स एवरीथिंग टू बी परफेक्ट.
तो वो ही होता है ना काम, हम अपना जो टैलेंट है, अपना जो इतना मेहनत कर रहे हैं, वो परफेक्ट नहीं आया सामने, तो फिर फ़ायदा ही क्या है, ऐसे थोड़ी करने के लिए करेंगे। एंड ये गाने में आई फील ये गाना फिर भी अवेज़ ने अपना 100% वाला डायरेक्शन नहीं दिया है, वो तो उसका अभी बाकी आना स्क्रीन पर, ये वाले में है लिमिट बहुत कम थी। हाँ तो वी हैड टू फिनिश इट, तो हमने जस्ट इसमें लिमिटेशंस बहुत थे कर लिया, बिकॉज वो वेदर की वजह से हमारा इशू हो रहा था। हाँ तो काफ़ी चीज़ें थी, में बहुत जल्दी लाइट चले जाती थी, सो जो शूट हुआ वही उसमें ही हम लोग काम चला रहे थे। करेक्ट, बट जो भी हुआ आई थिंक इट्स टर्नड आउट वेल। हाँ आई एम वेटिंग फॉर इट, आई एम रियली एक्साइटेड। लास्टली आज के मैंने वीडियो कट देखा है, मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा है। थोड़ा बहुत नहीं मैं बता दूंगा तो सीक्रेट ही नहीं रहेगा। मैंने तो देखा भी नहीं है, बट उन्होंने दो लाइन गाई थी अभी, बहुत अच्छा, एंड वो सुनकर ही मुझे लगा कि वाओ, मतलब इट्स अ नाइस सॉन्ग, वेरी नाइस सॉन्ग। हां, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर, या और वीडियो भी बहुत अच्छा है। स्टे ट्यून्ड, वन चैनल।